अब ये जो आपने वीडियो देखी जिसके ऊपर अफसोसनाक वाकया देखा जा सकता है कि एक लैंड क्रूजर में नताशा नामी लड़की ने कुछ लोगों को कुचल दिया, जिसमें दो हलाकतें भी मेरे ख्याल से हो चुकी हैं, मे भी उससे ज्यादा हुई हों। आज के इस वीडियो में हम इस कारसाज का जो वाकया है इसके ऊपर हम बात करेंगे, इसके लीगल पॉइंट्स, लीगल एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। देखें, इस केस में सीसीटीवी जो एविडेंस है वो मौजूद है। अब सीसीटीवी जो है वो एडमिसिबल है, कोर्ट में पेश की जा सकती है, एज एविडेंस ली जा सकती है। लेकिन एक केस हुआ था जो मरियम नवाज ने वीडियो जारी की थी जज अरशद मलिक की। आपको याद होगा कि जज अरशद मलिक की एक वीडियो वायरल हुई थी, लीक हुई थी, और उसके ऊपर केस हुआ था। जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा साहब ने कुछ रूल्स, कुछ प्रिंसिपल्स डिसाइड किए कि कौन सी वीडियो जो है वो एडमिसिबल है, कोई भी वीडियो एडमिसिबल होने के लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। ऐसे ही ये सीसीटीवी जो है वो अगर उन प्रिंसिपल्स को मीट करती है तो फिर ये एडमिसिबल हो जाएगी और एज अ एविडेंस ली जा सकती है, क्योंकि ये लाजमी है। अब ये लाजमी क्यों है? क्योंकि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। आपने देखा कि नताशा के एक वीडियो जिसके ऊपर वो ऐसे हाथ करके खड़ी थी, ये बनाई गई है और लोग इसे सच समझ रहे थे, हालांकि ये फेक है। हम वकील जो है पाकिस्तान में ये ड्रेस पहनते ही नहीं है, ये इंडिया में पहना जाता है। और ये जो पीछे कोट लिखी हुई है ये भी साफ जाहिर हो रही है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बनाई जाएगी है। ऐसे ही वीडियोज जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बनाई जा सकती है बिल्कुल ईजी। तो लाजमी है कि जेन्युइननेस जो है वो प्रूफ हो। जेन्युइननेस प्रूफ होने के लिए ये 2019 में केस हुआ था, आसिफ सईद खान खोसा साहब जो थे हमारे चीफ जस्टिस साहब, और उसने कुछ प्रिंसिपल्स तय किए थे कि कौन कौन सी वीडियोज जो है वो कोर्ट में एडमिसिबल है। एक तो ये एस्पेक्ट हो गया। दूसरी तरफ अब आ जाए कि ये जो ड्राइव कर रही थी वो देखा जा सकता है कि केयरलेसली ड्राइव कर रही थी और नेगलेक्टली ड्राइव कर रही थी, ये जो कि बिल्कुल ऑफेंस है, जुर्म है। इसके अलावा भी एक और एस्पेक्ट है कि अगर नताशा फासपोर्ट पागल है तो फिर क्या होगा? देखिए, पागल अगर है तो फिर तो उसे सजा नहीं आएगी, लेकिन मेरे ख्याल से वो पागल नहीं है। मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मेरे ख्याल से वो पागल नहीं है। वो कुछ क्योंकि वहाँ पे वाकया हुआ था, उसके स्ट्रेस में वो ऐसा बिहेव कर रही थी। अब इसके अलावा कुछ इसके ऊपर मैं कह नहीं सकता क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह कुछ भी मेरे सामने नहीं है, नहीं मैं वहां मौजूद था। ठीक है जी, मैं कुछ जो लीगल पॉइंट्स हैं जस्ट वो आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। लेकिन अगर नताशा कहती है या नताशा के जो वकील हैं वो कहते हैं कि नताशा को तो पागल थी, तो फिर नताशा के वकील को ही ये प्रूव करता है, मतलब नताशा को ही साइड को ही ये प्रूव करना है, अक्यूज की साइड को ही ये प्रूव करना है कि वो जो है वो पागल थी या पागल है। ठीक है जी, वो जब वाकया हुआ था तब वो पागल थी, ये प्रूफ करना लाजमी है। और प्रूफ जो है वो कौन करेगा? अक्यूज करेगा, नताशा की साइड ही करेगी। ठीक है जी, ये रियासत ने नहीं करना, ये नताशा नहीं करना है। अगर नताशा ये प्रूफ नहीं कर सकी तो फिर ये समझा जाएगा कि वो होश व हवास में थी, वो कोई पागल वगैरह नहीं थी। अब हम आ जाते हैं एक और एस्पेक्ट की तरफ, बेल जमानत की तरफ। यूजुअली जो जमानत है वो कुछ ऑफेंसेस में एज अ राइट होता है, बेलेबल ऑफेंसेस में जमानत राइट है कि उस मुलजम का जो है वो जमानत हक है कि उसे जमानत पे छोड़ दिया जाए। ठीक है जी, कुछ के ऊपर ये जमानत राइट नहीं होता वगैरह वगैरह, वो मैं ऐसे डिस्कस नहीं करूँगा कि क्योंकि ये जो वीडियो है वो जनरल पब्लिक के लिए। लेकिन मैं जस्ट ये आपको बताऊँ कि हमारे कानून में जो हमारे पास सीआरपीसी है उसमें जो औरत है उसको जमानत के लिए कुछ रियायत दी गई है, भले उसने कोई बड़ा जुर्म किया हो लेकिन उसे जमानत में रियायत मिलती है। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स में मौजूद है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कानून को ही तशरी करती है, कानून की ही तशरी करती है। कानून में ही ये दिया गया है कि वुमन, ओल्ड एज वुमन और माइनर, ये तीन चीजें, ओल्ड एज जो भी मर्द या खवातीन हो, दूसरा वुमन, थर्ड जो बच्चा वगैरह, इन तीनों को जो है वो रियायत मिलती है जमानत के ऊपर।
ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि मैंने चाहा कि आपके साथ डिस्कस करूं। एक और चीज़ भी है कि ये अफसोसनाक है कि ये जो वक्त हुआ हुआ इस हवाले से सबको एप्रीहेंशन है कि कोई इंसाफ वगैरह नहीं होगा। हमारे अदालतों को ऐसा बिल्कुल भी तासुब नहीं देना चाहिए। अदालत जो है वो ऐसे जजमेंट्स दे कि मुआशरा जो है वो अदालत के ऊपर एतमाद करे कि यहाँ से ये वो इदारा है जहाँ से हमें इंसाफ होगा। कोई भी अगर डिपार्टमेंट हमारे साथ इंसाफ नहीं करेगा और ये जो अदालतें हैं ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ से हमें इंसाफ मिलेगा, ऐसा तासुर मिलना चाहिए। लेकिन अफसोसनाक है कि ये तासुर हमारे पास नहीं है। उसमें कुछ हाथ हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके भी हैं, जो भी उसमें स्टेक होल्डर्स हैं, पुलिस वगैरह सब उसमें इन्वॉल्व हैं। सेकेंडली फेक न्यूज़, अब ये भी आप देख लें ना, जो फेक न्यूज़ आई थी नताशा की जिसके ऊपर वो ऐसे विक्ट्री का निशान खड़ी हुई थी करके खड़ी हुई थी, अब ये क्या है, ये फेक न्यूज़ है। इसके थ्रू बहुत से लोगों के एतमाद अदालतों से कम हो गए होंगे कि अदालतों में तो इंसाफ होता नहीं, ये देख लें कैसे बाहर निकल के आ गई है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, अदालतों के पर एतमाद करना चाहिए और अदालतों को भी चाहिए कि ऐसे फैसला दें कि इंसाफ हो और लोगों का उनके ऊपर एतमाद कायम हो सके। थैंक यू वेरी मच।